हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की दिन भर की 25 बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आपको बता दें, ये खबरें आप सभी के लिए छांट कर लाए हैं, सिलेक्टेड हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और वहीं अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें, आज जो कोरोना की 184 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें, 3781 पर पहुंच गई है और 1215 मरीज अब तक ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और एक्टिव मरीज की बात करें 2542 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 लोगों की मौत भी हुई है इस कोरोना से। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के हिसार से आ रही है, टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ और चप्पल से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। हिसार के बालसमंद की घटना, मंडी में सेट की जगह देखने गई थी सोनाली फोगाट। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, विवादों में घिरी टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट, कांग्रेस ने साधा निशाना तो सीएम ऑफिस ने रिपोर्ट की तलब। और अगली बड़ी खबर है, अभिभावकों, छात्रों और प्रशासन से विचार के बाद ही प्रदेश में खोली जाएंगी आईटीआई और आईटीआई प्रिंसिपल को विचार विमर्श कर आज तक भेजनी होगी रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर है, कर्मियों का डाटाबेस तैयार, अब राज्य के उद्योगों में लगे सभी कर्मचारियों का एक डेटाबेस तैयार हो सकेगा, ये जानकारी दी है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। और अगली बड़ी खबर है, दुष्यंत चौटाला ने कहा है अब पोर्टल के जरिए युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल जारी किया गया है, प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पोर्टल पर आवेदन करें। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें, कुरुक्षेत्र से आ रही है, अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत, नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन में 10 रुपए में भरपेट खाना खा सकेंगे किसान और मजदूर। कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में किसानों मजदूरों के लिए स्थापित की अटल किसान मजदूर कैंटीन। और अगली बड़ी खबर हिसार से आ रही है, छात्रों के लिए खुशखबरी, लुवास के डेयरी कॉलेज से अब कर सकेंगे एमटेक, करनाल की नहीं लगानी पड़ेगी दौड़ और विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जल्द पीएचडी की भी पढ़ाई हो सकेगी। और झज्जर से भी खबर आ रही है, झज्जर की मंडी और गोदामों में रखा गेहूं भीगा, गेहूं खरीद का अंतिम दिन आज, बारिश में खराब हो रही है गेहूं। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है करनाल जिले से है, कर्ण स्टेडियम में खिलाड़ी अब अपना पास दिखाकर कर सकते हैं खेलों की प्रैक्टिस, जिला खेल विभाग ने स्टेडियम के बाहर गाइडलाइन का लगाया था नोटिस, बिना पास के प्रशिक्षण केंद्र के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर है चंडीगढ़ से आ रही है, हरियाणा सरकार के निर्देश, मौके पर जाएं डीसी और बाढ़ नियंत्रण कार्य 20 जून तक पूरा करें। और अगली बड़ी खबर है, 2 घंटे से ज्यादा पबजी नहीं खेल सकेंगे बच्चे, लेनी होगी माता पिता की मंजूरी, केंद्र के पास पहुंचा प्रस्ताव। और अगली बड़ी खबर की बात करें, हाई कोर्ट ने उठाया सवाल, विशेषज्ञ की राय लिए बिना कैसे दर्ज कर सकते हैं हत्या के प्रयास का केस। और हरियाणा सरकार ने शुरू की हरियाली बढ़ाने के साथ ही जड़ी बूटियों के संरक्षण की मुहिम, हरियाणा सरकार ने सक्रिय की जैव विविधता समितियां, रजिस्टर में दर्ज होगी औषधियां। और अगली बड़ी खबर है, ग्रामीण रूटों पर उतरेगी निजी बसें, संशोधित स्टेज कैरेज स्कीम पर बढ़ी सरकार, 273 रूटों पर करीब 425 निजी बसों को परमिट देने की तैयारी। और किसानों और पशुपालकों को साहूकारों के चंगल से निकालेगी सरकार, मिलेगी क्रेडिट कार्ड सहित कई खास सुविधाएं, 8 लाख गरीब पशुपालकों को मिलेगी पशुधन क्रेडिट कार्ड। और हिसार से भी खबर है, मार्केट कमेटी के सचिव को चप्पल मारने पर सोनाली फोगाट पर दर्ज हुई FIR, जींद के सिविल सर्जन पर गिरी गाज, MLA की शिकायत पर जांच के बाद हुए सस्पेंड। और भिवानी से भी खबर है, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर भिवानी में फूंका गया ट्रंप का पुतला। और कुरुक्षेत्र से भी खबर आ रही है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण संस्थान की एनाबाई सोसाइटी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित
प्रतियोगिता में 15 राज्यों से विद्यार्थियों ने लिया भाग। हेथल में धीरे धीरे रोड बसों के पहियों की बड़ी रफ्तार, यात्रियों की संख्या में हुआ इजाफा। और झज्जर से भी खबर है, जमकर बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना, शहर हुआ जलमग्न। सोनीपत में 14 से ज्यादा देशों तक पहुंची एटलस, 40 लाख साइकिल साल में बनाई, अब सभी यूनिट पर ताला। और इसी के साथ जी हां, बढ़ते हैं रोहतक से, खबर आ रही है वैश्य एजुकेशन सोसाइटी चुनाव, 15 नामांकन पत्र दाखिल, 300 लोगों ने किए थे आवेदन। महेंद्रगढ़ से भी खबर है, रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदला, किराया हुआ दोगुना। तो जी हाँ भाई बहनों, आप सभी के लिए 25 दिन भर की ये बड़ी खबरें कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे लेटेस्ट, और वीडियो पर लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लीजिए।